तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक एनिमेटेड मूवी आई है थिएटर में लव यू शंकर के नाम से, स्टारिंग श्रेयस तलपड़े, अभिमन्यु सिंह एंड तनिष्का मुखर्जी इन लीड रोल, जिसको फाइनली मैंने देख लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थ है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है 8 साल के बच्चे शिवांश के ऊपर, जो कि विदेश में अपनी फैमिली के साथ आराम से रह रहा होता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन शिवांश को अचानक उसके पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसका क्या नाम था, उसका घर कहाँ था, उसके दोस्त कौन थे, उसके दुश्मन कौन थे, और यहाँ तक कि उसको यह भी याद आ गया कि वो कहाँ मारा गया था। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स उसको वाराणसी में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका पिछले जन्म में गाँव था। और उसके बाद आगे कहानी में क्या हुआ, ये सब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 1 घंटा और 55 मिनट के आसपास। इन द मीन टाइम अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक डिसेंट सी मूवी है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। भाई साहब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को लीड कर रहा है 8 साल का बच्चा, और भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे उसकी एज के हिसाब से। हालांकि ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका काम अच्छा लगा मुझे। उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ अच्छा था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। बेस्ट परफॉर्मेंस। और दोस्तों श्रेयस तलपड़े ने काम अच्छा किया है, हालांकि उनको स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, बट सॉलिड परफॉर्मेंस। और भाई इस मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, सबका काम ओके था, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका काम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई साहब, वो है हेमंत पांडे। इन्होंने रुद्रा के दोस्त के रोल में काम काफ़ी अच्छा किया है, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये है मूवी ओके है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस मूवी के मेकर्स के लिए एक सैल्यूट करना चाहूँगा भाई साहब, जो कि आज के टाइम में एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जो कि आज से 15 से 20 साल पहले आनी चाहिए थी, और एक तरह से ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि उनका भगवान पर से विश्वास ही उठ गया है, या फिर उनके पास पूजा पाठ करने के लिए भी टाइम नहीं है। और इस सब चीज़ों को देखते हुए ये एक अच्छी कोशिश थी। मूवी में उस बच्चे शिवांश और भगवान शिव के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मूवी की सिनेमाटोग्राफी और BGM डिसेंट है, और दोस्तों इस मूवी का जो प्लॉट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह एक लो बजट की मूवी है, तो इस मूवी के CGI और VFX थोड़े से वीक है भाई, और मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू भी एवरेज है भाई साहब, यानी कि आपको शुरुआत में पता चल जाएगा कि भाई मूवी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया गया है। और दोस्तों इस मूवी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, वो भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार इस लड़के के जो मम्मी पापा दिखाए गए हैं ना, वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे अपने कैरेक्टर में, तो उनकी जगह पर मेरे ख्याल से कोई और अच्छा स्टार देना चाहिए था। और भाई इस मूवी की कहानी तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ही सही तरीके से नहीं किया गया भाई। मेरे ख्याल से डायरेक्टर सर को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ऑल इन ऑल यह एक डिसेंट सी मूवी है, जिसको अगर OTT पर रिलीज करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यार इस मूवी को चुपचाप रिलीज कर दिया गया है, इसका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं किया गया है। आप बात आते हैं कि मूवी को क्यों देखें। देखो भाई बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एनिमेटेड और पुनर्जन्म जैसे टॉपिक पसंद है और आप भगवान शिव में आस्था रखते हो, तो आपको यह मूवी जरूर पसंद आएगी। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों यह मूवी बच्चों को जरूर दिखाई है, बच्चों को यह मूवी जरूर पसंद आएगी, तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 3 out of 5 स्टार। बाकी इसकी प्रोडक्शन वैल्यू और कहानी को सही तरीके से एग्जीक्यूशन न करने के लिए 2 स्टार तो आराम से कटा जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू लव यू शंकर मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।